इन दिनों पाकिस्तान से अपनी चार बच्चों को लेकर भारत आई सीमा हैदर हर तरफ चर्चा का विषय बनी है। सीमा हैदर पर अब फिल्म भी बनने जा रही है और वो अपने फिल्मी सफर के लिए एकदम तैयार भी हैं। वहीं अब सीमा हैदर पर बनने जा रही फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि फिल्म का पहला गाना कब रिलीज होगा। कराची टू नोएडा का पोस्टर रिलीज। बता दें कि हाल ही में मेकर्स ने सीमा हैदर पर बनने वाली फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया है। साथ ही जानकारी दी है कि फिल्म का पहला गाना 20 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। वहीं अगर पोस्टर की बात करें तो इसमें देखा जा सकता है कि पोस्टर में सीमा के तीन लुक को दिखाया गया है। पोस्टर में सीमा के तीन लुक आए सामने। पहले लुक की बात करें तो इसमें सीमा हिजाब में नजर आ रही हैं। दूसरे लुक में सीमा खुले बालों और उदास चेहरे के साथ दिखाई दे रही हैं। वहीं तीसरे लुक में सीमा हैदर साड़ी पहने नजर आ रही हैं। इसमें सीमा ने साड़ी के पल्लू को अपने सिर पर रखा है और बिंदी भी साथ में लगाई है। अमित जानी है फिल्म के प्रोड्यूसर। बता दें कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी हैं, जो पर्दे पर पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा हैदर की कहानी को दिखाने जा रहे हैं। वही फिल्म में एक्ट्रेस फरहीन फलक सीमा हैदर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाली हैं। भरत सिंह फिल्म के निर्देशक हैं। अमित जानी ने ट्वीट पर दी जानकारी। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने अपने ट्विटर पर खुद जानकारी देते हुए एक पोस्टर शेयर किया है। वही 20 अगस्त को फिल्म कराची टू नोएडा का पहला गाना रिलीज किया जाएगा। बता दें कि फिल्म के गाने को प्रीति सरोज ने गाया है और लिरिक्स प्रोड्यूसर अमित जानी द्वारा लिखे गए हैं।